विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम में इसी पते से फेसबुक से। भेजिए श्रोताओ अपनी प्रतिक्रियाएं अपने विचार। श्रोताओं, भारतीय जगत के गोल्डन एरा के कुछ कम चर्चित अभिनेता अभिनेत्रियों के गीत आज आपकी नजर कर रहे हैं। आपने इन कलाकारों पर फिल्माए गए गीतों को खूब गुनगुनाया होगा। इन सितारों का फिल्मों में सफर बहुत ज्यादा तो नहीं रहा, इनमें से कितने कलाकारों की फिल्मों को आपने देखा भी होगा, जिनकी याद अगर आपके जहन में ताजा है तो हमें जरूर लिख भेजिए। इन पर फिल्माए गए गीत आपके दिल के कितने करीब हैं, ये भी हमें जरूर बताइए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आपको कलाकार बताने हैं। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे संग्राम के इस गीत को आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है श्रोताओं। आयश कमल का लिखा ये गीत था, लाला असद सत्तार का संगीत था, मोहम्मद रफी साहब की आवाज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमेशा अंधेरा प्रकाश का शत्रु नहीं होता, प्रकाश भी प्रकाश का शत्रु होता है। बड़ा प्रकाश छोटे छोटे प्रकाशों को छुपा लेता है या
करीब के प्रकाश में दूर के प्रकाश नहीं दिखते। सूरज की रोशनी में जो सितारे खो जाते हैं, रात उन्हें जगाती है, हम तक ले आती है। उसी तरह फिल्मी दुनिया में कई ऐसे सितारे हुए जो इस अनूठी दुनिया की रस्मों को शायद निभा नहीं पाए, इसका शिकार हो गए। बहुत ही कम काम करने के बावजूद अपनी असीम छाप छोड़ गए, जो आज वक्त की गर्त में भुला दिए गए। सबसे बड़ा नाम इन्होंने याद किया है फिल्म दोस्ती के, वो दो कलाकारों को जिन्हें ये याद करते हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था श्रोताओं, जो किरदार आज भी हमें याद है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भारतीय फिल्म जगत में कुछ कलाकार जिन्होंने अपनी फिल्मों में अच्छा काम किया, फिर भी वे कलाकार आगे नहीं चल पाए, जैसे पुरानी फिल्मों के हीरो सुरेश, और इन्होंने शैलेश कुमार को याद किया है। इनके गीत आपको सुनाने की कोशिश जरूर करेंगे। एक और श्रोता लिखती है, हिंदी फिल्मों में ऐसे अनेक कलाकार आए जो कुछ ही फिल्मों में अपना ऐसा जादू बिखेर गए कि हम उन्हें आज भी याद करते हैं, लेकिन बाद में वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। वो खुद ही फिल्मी दुनिया की इस चकाचौंध से बहुत दूर चले गए। और लिखती हैं कि मुझे याद आ रही हैं खूबसूरत सी हीरोइन जाहिदा जी, जो अनोखी रात का इन्होंने सुपरहिट गीतों को याद किया है। तो अनोखी रात के गीत भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। ये गीत आप सुनिए श्रोताओं, अभिनेता अभिनेत्री को पहचानिए। ठीक पहचाना है आपने श्रोताओं, शबनम फिल्म का ये गीत था, महमूद और अभिनेत्री विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया। अगले गीत में आपको कलाकार पहचानने हैं, फिल्म पहचाननी है।
एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि कम चर्चित अदाकार मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी की इन्होंने बात की है। जी हाँ, इनकी भी कुछ ही फिल्में रहीं और कलाकार ये इनकी एक अभिनीत फिल्म थी। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बेहतरीन गीत फिल्म उपहार से कम पहचान रखने वाले कलाकार मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, इस गीत को इन्होंने याद किया है और स्वरूप दत्त जी को भी याद किया है। एक और श्रोता ने ठोकर फिल्म के नायक बलदेव खोसा की बात को लिखा है कि इस फिल्म को देखा फिर किसी फिल्म में वो नजर नहीं आए, परंतु बलदेव जी पर फिल्माए गए गीत इन पर फिल्माए गए जो गीत है श्रोताओं, वो हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे कई श्रोताओं ने अभिनेत्री रेहाना सुल्तान, जीब रहमान, दारा सिंह, अंजना सुरेंद्र, सरोजा देवी और जमुना, इन कलाकारों को याद किया है। लिखते हैं कि जिन्होंने फिल्मों में भले ही बहुत कम काम किया या कहूँ बहुत कम काम करने का मौका मिला, मगर इन भूले बिसरे कलाकारों का नाम आज भी इसलिए हमें याद है क्योंकि इन्होंने जो काम किया वो बहुत बेहतरीन था। सितारों की कहकशां में कुछ सितारे गुम हो जाते हैं पर जाते जाते वे अपनी चमक दिखा जाते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है, तो क्या ही अच्छी बात है। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने फिल्म संग्राम का गीत आपको सुनवाया था और मोहम्मद रफी की आवाज थी, आयश कन्वर का लिखा वो गीत था जिस गीत में रंधावा नजर आते हैं और अभिनेत्री गीतांजलि ने इस गीत में अभिनय किया है। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़ उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज़, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा तुमसा मंजिल की तमन्ना क्या, साथी हो अगर तुमसा मंजिल की तमन्ना क्या, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज।
लीला नायडू और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गीत था, फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के। आपने इस गीत को बिल्कुल ठीक पहचाना है श्रोता। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे याद आ रहे हैं अरुण गोविल जी, नवीन निश्चल और इन कलाकारों की फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं आईं, लेकिन अरुण गोविल जी के बारे में ये लिखती हैं कि इन्हें पहचान मिली जो रामायण सीरियल था उससे। एक और श्रोता लिखती हैं कि काजल किरण, जी हाँ काजल किरण जो थे वो अदाकार बहुत ही उनकी जो अदाकारी थी वो बहुत लोगों को पसंद आती थी श्रोताओं, और उनकी कुछ ही फिल्में हैं लेकिन सभी फिल्में जो उनके द्वारा अभिनीत हैं बहुत ही काबिले तारीफ है। तो काजल किरण को इन्होंने याद किया है। लिखती हैं कि हम किसी से कम नहीं, शुमा आनंद को इन्होंने याद किया है, रंजिता को याद किया है, और जो कुछ गाने थे इन पर फिल्माए गए वो भी सुपरहिट रहे। एक और श्रोता ने लिखा है सारंगा खानदान, बेटी बेटे, आज और कल, आंचल, गृहस्थी, नायक सहनायक सुदेश कुमार जी पर भी कितने ही मधुर और कर्णप्रिय गाने फिल्माए गए हैं। जानी वाकर साहब के छोटे भाई विजय कुमार को जो थे वो कौन अपना कौन पराया, इस फिल्म का इन्होंने जिक्र किया है। फिल्म में हीरो बनकर आए और उन पर फिल्माए गए गीत जो हैं वो भी बेहद कर्णप्रिय हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि अनारकली और ताजमहल और वल्ला क्या बात है जैसी हिट फिल्मों के गीत आज भी श्रोताओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन अफसोस कि बिना रॉय जी सिल्वर स्क्रीन पर ज़्यादा दीर्घ सफ़र तय नहीं कर सकी। जल्दी ही वे फिल्मों से उन्होंने दूरी बना ली। बेहतरीन अभिनय के लिए बिना रॉय जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। बीना रॉय और प्रेमनाथ जी की जहाँ तक बात है श्रोताओं, उनके बेटे की एक फिल्म आई थी दुल्हन वही जो पियामन भाई, इन कलाकार को अगर आप पहचान सकें तो पहचानिए। ये फिल्म भी बहुत हिट थी। इस फिल्म की जो अभिनेत्री थी रामेश्वरी वो भी बहुत है फिल्मों में, और राष्ट्रीय प्रोडक्शन की एक बड़ी कामयाब एक्ट्रेस मानी जाती हैं। तो इस फिल्म के हीरो को आप पहचानिए, जो अवस्था हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन अभिनेता प्रेमनाथ और बीना रॉय जी से। आप पहचानिए इस फिल्म को, कलाकार को।
से दिल ये ख्याल है। उमर कैद, इस फिल्म का गीत आपने सुना सुधीर और नाजिमा पर फिल्माया गया। श्रोता मुकेश की आवाज थी। एक श्रोता लिखती हैं कि आकाशवाणी एक बार ही होती है लेकिन कायम स्वरूपी याद रहती है। ऐसे ही कुछ फिल्मी सितारे खूब चमके, अच्छे खासे सक्षम थे पर कम नजर आए, फिर भी हमेशा के लिए दिल में बस गए। उनमें से एक इन्होंने लीला नायडू जी को याद किया है, जिनकी फिल्म का गीत ये रास्ते हैं प्यार के अभी हमने आपको सुनवाया था। सुंदर अभिनय कुशल शालीन चेहरे वाली अभिनेत्री, उनका अनुराधा फिल्म का जो हाय दिन बीते कैसे बीती रतियां, ये गीत बेहद खूबसूरत सदाबहार गीत है। मोतीलाल जी का अभिनय और जिंदगी ख्वाब है, ये गीत भला कौन भूल सकता है। भाग्यश्री का दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये गीत और मासूम चेहरा यादगार बन गया है। जुगल हंसराज, कुमार गौरव, ग्रेसी सिंह, गायत्री जोशी, ये सितारे भी याद आते हैं। तो क्या ही बात है श्रोताओ, आज ऐसे ही सितारों को हम याद कर रहे हैं गोल्डन एरा के। आप अगले गीत में आप बताएं कि कलाकार कौन है। वैसे तो इन कलाकार के बारे में हमारे बहुत से श्रोताओं ने लिखा भी है, कलाकार बताएं और आप संगीतकार बताएं। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों सनम गम
बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत था ठोकर फिल्म से, और इस गीत के बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा भी था और कलाकार के बारे में भी लिखा था। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि पिया का घर समझौता अनिल धवन को इन्होंने याद किया है, मनीष जो कलाकार थे सरस्वती चंद में नजर आए उन्हें याद किया है, और सुमित सान्याल के बाद स्वरूप दत्त की बात इन्होंने की है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ कलाकारों को जब याद करने की बात है जो बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं हुए, फिल्म सरस्वती चंद के हीरो मनीष, करण दीवान, रेहाना सुल्तान जी, सुचित्रा सेन, इनके कुछ गीतों को भी इन्होंने याद किया है। लिखते हैं कि आज पूरे साठ साल बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण और दिल के करीब इनके ऊपर जो गीत फिल्माए गए वो हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत से ऐसे कलाकार अभिनेता अभिनेत्रियाँ हुई जिन्होंने ज़बरदस्त हिट फिल्में दी हैं लेकिन आगे चलकर गुमनामी के अंधेरे में खो गए। दोस्ती मूवी के सुशील कुमार, सुधीर कुमार जी को इन्होंने याद किया है, रणधीर कपूर, देव मुखर्जी, अभिनेत्री विमी को इन्होंने याद किया है, जयललिता, कल्पना मोहन, और कुछ इन्होंने अपने पसंदीदा गीत भी बताए हैं। अगले गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं, कलाकार बताइए। चमन के फूल भी तुझ को गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचान, सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको सुना
अभिनेता अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म शिकार से। अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ। फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है, ऐ ज़मीन दिल तेरी दुहाई है, ऐ ज़मीन दिल तेरी दुहाई है, फिर वो शैलेश कुमार इस गीत में नजर आते हैं। श्रोताओं आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, बेगाना फिल्म का ये गीत था। इसे संगीतबद्ध किया सपन जगमोहन ने। एक श्रोता ने लिखा है कि समय के साथ हमने अपने पसंदीदा कलाकारों को अलग अलग फिल्मों में अपनी खूबसूरत एक्टिंग से फैंस का दिल जीतते देखा है, इसमें कोई शक नहीं। ये अभिनेता स्क्रीन पर अपनी खूबसूरत कला से प्रशंसकों और दर्शकों को प्रभावित करने और अपने लिए एक मजबूत प्रशंसक आधार बनाने में कभी असफल नहीं होते हैं। हमने इनमें से कई अभिनेताओं को समय के साथ उनका बकाया मिलते देखा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भारतीय सिनेमा जगत के इस दुनिया में कमा कर जाने वाला अभिनेता भी माना जाता है। हालांकि उनका अभिनय तो बहुत अच्छा होता है, मगर उन्हें कुछ फिल्में ऐसी मिलती हैं कि उन्हें ज़्यादा कोई नोटिस नहीं करता और गुमनामी के अंधेरों में रह जाते हैं, मगर उन पर फिल्माए गए गीत बेहद सुरीले और सुंदर हैं। ऐसे गीतों की प्रतीक्षा इन्हें है। एक और श्रोता ने लिखा है
कि दिन में सूरज उगने से उजाला होता है पर रातें काली होती हैं। चंदा और तारों की रोशनी से ही काली रातें जगमगाने लगती हैं, पर काली रातों में कुछ तारे टूट जाते हैं, उनकी जगमगाहट कम होने लगती है। इसी तरह फिल्मी दुनिया में कई ऐसी नायिकाएं आईं जिनकी जगमगाहट कुछ समय बाद फीकी पड़ गई और फिर वो रुपहले पर्दे से गायब होकर गुमनाम जिंदगी बिता रही हैं, जैसे इन्होंने कुछ एक जो अभिनेत्रियां हैं उनके नाम भी लिखे हैं। आप इस गीत को पहचानिए। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। अदाकार बताने हैं श्रोता और फिल्म पहचाननी है।
देव मुखर्जी और नाजिमा इस फिल्म में इस गीत में नजर आते हैं और अधिकार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे इस गीत को के बारे में हमारे श्रोता ने लिखा भी है लेकिन उन्होंने फिल्म को ज़रा गलत पहचाना है, तो इनकी इनका ये पसंदीदा गीत था और इन्होंने देव मुखर्जी की बात भी की थी। बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने देव मुखर्जी के बारे में लिखा है। एक और श्रोता हैं उन्होंने अनूप कुमार के बारे में लिखा है और कुछ एक और जो कलाकार थे विजय अरोरा उनकी बात की है, तो इन कलाकारों को इन्होंने याद किया है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि 70 से 80 के दशक की फिल्में खासकर याद की जाती हैं जब नए चेहरे आ रहे थे। देवानंद दिलीप कुमार साहब जैसे बड़े अभिनेता यहाँ हुए लेकिन उनके साथ कुमार गौरव को इन्होंने याद किया है जो राजेंद्र कुमार के बेटे। उनका छोटा सा करियर रहा फिल्म नाम, इसके अलावा प्रिया राजवंश जी की बात इन्होंने की है और निगार सुल्ताना विमी जैसी जो कलाकार थे वो बड़े पर्दे पर यानी बड़े बैनर के साथ नजर आए, फिल्में हिट भी हुई लेकिन इसके बाद ये नजर नहीं आए कहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी दौर की बात में समानांतर फिल्मों के दौर के में स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह ये तो बहुत ही चिरपरिचित कलाकार थे श्रोताओं और इनके बारे में इन्होंने लिखा है। साथ ही कुछ और एक कलाकार हैं जिनको इन्होंने याद किया है और एक और हमारे श्रोता हैं उन्होंने कल्पना कार्तिक जी की बात की है, सुनीता सान्याल जी की इन्होंने बात की है और लीला नायडू जी अनुराधा जी को इन्होंने याद किया है। आप ये फिल्म पहचानिए, कलाकार पहचानिए श्रोताओं।
बड़ा सुंदर सा चेहरा इस गीत में नजर आता है श्रोताओं। आप सुन रहे थे जगजीत कौर की आवाज में फिल्म शगुन का गीत। इस गीत को भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने याद किया था। निवेदिता पर फिल्माया गया ये गीत था, जिन्हें असल में लोग लीबी राणा के नाम से जानते हैं। कमलजीत भी इसमें नजर आए और कमलजीत को भी हमारे कई श्रोताओं ने याद किया है। वहीदा रहमान भी नजर आती हैं इस फिल्म में। एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि वहीदा रहमान के पति कमलजीत भी अपनी पत्नी की तरह अभिनय की दुनिया से ताल्लुक रखते थे। अपने करियर में उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। सन ऑफ इंडिया और शगुन से कमलजीत को इंडस्ट्री में कुछ पहचान मिली। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमराज और वचन फिल्म में वीणा लीबी राणा उर्फ निवेदिता कम दिखाई दी। धरती कहे पुकार के फिल्म में निवेदिता का जो था पियानो पर जो गीत था वो बहुत अच्छा था। एक और श्रोता लिखते हैं कि ऐसे सितारों में एक नया नाम प्रिया राजवंश भी है, जिन्होंने कुछ फिल्मों में बहुत अच्छे रोल किए। और नए जमाने की अभिनेत्रियों में दिव्या भारती, भाग्यश्री को इन्होंने याद किया है कि इन्होंने अपने दर्शकों के बीच थोड़ी फिल्में की लेकिन दिल में जगह बनाई। अभिनेत्री नैना साहू को हमारी एक श्रोता याद करती हैं, कहती हैं कि बेहतरीन अभिनेत्री रहीं। उनके पिता एक बेहतरीन अदाकार, निर्देशक, लेखक रहे। उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया। उनकी एक बहुचर्चित फिल्म हरे काज की चूड़ियां धानी चुनर पहन कुछ इस तरह से इन्होंने याद किया है। आप पहचाने कलाकार को। किसी शय जलती है सुर्ख शोले की तरह। आप ये क्या हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा, ऐ जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ जोश पे हुस्न का तूफान नजर आता है, इश्क की मौत का सामान नजर आता है, सामान नजर आता है। और कश्ती से किनारे भी खफा हो बैठे, मिलक बैठे भी न थे और जुदा, जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ अब मौत से है प्यार हमें, खींचिए यूं न कमा तीर खता हो बैठे, मिलक बैठे भी न थे और जुदा, ऐ जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ आप खफा हो बैठे, मिलक बैठे और जुदा, है जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ
आबरू फिल्म का ये गीत था, दीपक कुमार और विमी पर फिल्माया गया। अगले गीत में श्रोताओं आपको अभिनेत्री पहचाननी है और फिल्म भी पहचानी है। इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। भूल सकता है भला कौन यारी आँखें रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें भूल सकता है भला कौन से देखा है तुम्हें तब से सराहा है तुम्हें बस गई है मेरी आँखों में तुम्हारी आँखें रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें भूल सकता इस फिल्म को आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। शशि कपूर के ऑपोजिट थी इस फिल्म में इंद्राणी मुखर्जी श्रोताओं, और जो आखिरी खत थी उसमें लीड रोल में भी नजर आई थी। बाद में नौनिहाल में संजीव कुमार के साथ थी, बड़े अदाकारों के साथ इन्होंने फिल्म की थी। और एक सवाल और, इसी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था श्रोताओं। हमने एक आपसे सवाल पूछा था क्योंकि हमारे एक श्रोता ने लिखा था बीना रॉय जी के बारे में, तो प्रेमनाथ और बीना रॉय जी के जो बेटे प्रेम किशन है वो नजर आते हैं दुल्हन वही जो पियामन भाई इस फिल्म में, और अब इस फिल्म को पहचानिए, कलाकार पहचानिए। नजर आती नहीं तड़पने से भी क्या हासिल तकदीर में है मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं नजर आती मजबूर
तकदीर में ऐ मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं नजर आती और हीरा इस फिल्म के गीत को आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, पंकज और शमीम पर फिल्माया गया ये गीत था श्रोताओ। और फारियाल जी, सुप्रिया चौधरी, रीता हक्सर, शेखर, जाहिदा और मनीष ये भी कुछ कलाकार थे श्रोताओ जिनके गीत हम आज शामिल नहीं कर पाए। आपकी जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, आपके कमेंट्स, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आती नहीं मंजिल।